Hormonal regulation in pregnant female. First, the contents human chorionic gonadotropin hormones, progesterone hormone, prolactin hormone, oxytocin hormone, and the prostaglandins. First, the human chorionic gonadotropin hormone. सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये जो हारमोन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हारमोन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेगनेंसी पहले तो हम इसके इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं कि जैसे ही जो जाइगोड से एम्ब्रियो बनता है तो ये एम्ब्रियो सबसे पहले इसने आकर इम्प्लान्ट होना होता है मदर के यूट्रस में अब मदर के यूट्रस के अंदर इम्प्लान्टशन के लिए शुरू में जो रोल होता है वो है ओवरी का कि ओवरी प्रोजेस्टिडोन और एस्ट्रोजन रिलीज करती है जो एम्ब्रियो को इम्प्लान्ट करवाती है यूट्रस के अंदर अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हार्मोनल लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगा तो ये फीटस जो जो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप कर सकेगा अगर ये हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा फिर बर्थ लॉस हो जाएगी मींस के जो एम्ब्रियो है जो यूटरस के अंदर अटैच हुआ है ये हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से यहाँ से फॉल कर सकता है गिर सकता है और उसका डिवेलपमेंट फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती है इट मीन्स द हारमोन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा आगे फर्दर हम देखें तो एक तो ये बर्थ को मेंटेन कर यानी कि जो है वो जो एम्ब्रियो है उसको मेंटेन कर रहे हैं मदर के यूट्रस के अंदर फर्दर जो इनका रोल होगा वो यह है कि सम ऑफ द हारमोन्स दे आर इन्वॉल्व इन द मिल्क प्रोडक्शन कि यंग वन की जब बर्थ होगी तो उसने जो मिल्क जो फीड करना है मदर से तो उसमें मिल्क को प्रोड्यूस करने में मिल्क को रिलीज़ करने में हारमोन्स का रोल है इसी तरह से जो तीसरा इंपॉर्टेंट रोल प्रेग्नेंट मदर के अंदर है हारमोन्स का दैट इज़ ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस कि बर्थ के दौरान स्पेसिफिक हारमोन क्या करते हैं कि यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि यंग वन जो है इट मे बी एक्सपेल्ड आउट ये एक्सपेल आउट हो सके अब इन तमाम कामों के लिए डिफरेंट हारमोनस हैं सबसे फर्स्ट वन हमारे पास जो हारमोन है इट इज ह्यूमन कोरियोनिक गैडोट्रोपिन ह्यूमन कॉरोनिक कोरियोनिक गैडोट्रोपिन इज रीज बाय द प्लेसेंटा तो ये सबसे पहले अब जब प्लेसेंटा बनना शुरू होता है यूट्रस के अंदर तो प्लेसेंटा बनने के दौरान जो सबसे पहला हार्मोन रिलीज होगा इट इज अमन कॉरियोनिक गुनेडोट्रोपिन ह्यूमन कोरियोनिक गुनेडोट्रोपन इज इम्पॉर्टेंट टू कीप अलाइव द कार्पस ल्यूटियम या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कोरियोनिक गुनेडोट्रोपिन इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम इन ओवरी और कार्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर मौजूद है तो यह हारमोन यहाँ प्लेसेंटा से रिलीज होगा ब्लड के थ्रू ओवरी तक पहुंचेगा और वहां जाकर कार्पोरस ल्यूटियम को रिटेन करेगा उसको डिसइंटिग्रेट नहीं होने देगा अब कहता है कि जो शुरू के जब प्रेगनेंसी होती है तो आमतौर पर जो ह्यूमन कोरियोनिक गायड्रोटोपन बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ना शुरू हो जाता है इवन अगर प्रेगनेंसी के आफ्टर टू वीक्स ब्लड के अंदर इसकी अच्छी खासी अमाउंट होती है तो आमतौर पर जो फैमिलीज हैं कि जब वेन देर इज़ अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी तो हॉस्पिटल जाते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं वो प्रेगनेंसी टेस्ट एक्चुअली क्या है उसमें एक इम्यूनोलॉजी टेस्ट के तौर पर इसको ह्यूमन कोरियोनिक गनाइडोट्रोपन का लेवल देखा जाता है कि अगर इसका लेवल हाई है तो इसका मतलब यह है कि प्रेगनेंसी मौजूद है अगर इस हार्मोन का लेवल लो है तो इसका मतलब यह है कि प्रेगनेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है इस प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए भी ह्यूमन कोरियोनिक गुनाडोट्रोपन को यूज़ किया जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गनाडोट्रोपन का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है कार्पसल्यूटिन को अलाइव रखना उसको मेंटेन रखना कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअली खास किस्म का हार्मोन प्रोजेस्टिडोन जो है उसे क्रिएट करेगी तो कॉर्पस ल्यूटियम जब तक ये रिटेन करेगी आप उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा प्रोजेस्टिडोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा दिस प्रोजेस्टिड हार्मोन इट कीप द एम्ब्रियो इम्प्लांटेड फॉर्म ये क्या करेगा ये एम्ब्रियो को क्या करेगा उसकी इम्प्लांटेशन को मेंटेन रखेगा तो अगर प्रोजेस्टिडोन हार्मोन का लेवल हाई है तो एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के अंदर अटैच रहेगा मेंटेन रहेगा इसलिए प्लेसेंटा ने एक ह्यूमन कोरियोनिक ग्रेडोट ओपन कर रिलीज किया है जो आगे प्रोजेस्टिडोन को रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टिडोन फिर एम्ब्रियो को क्या कर रहा है रिटेन कर रहा है अगर इन केस इनकेस किसी स्टेज के ऊपर जाकर प्रोजेस्टिडोन का लेवल डिक्रीज कर जाए तो फिर बर्थ लॉस का खतरा होता है तो इसलिए आमतौर तो पर डॉक्टर जो है वो अगर किसी के अंदर हारमोनल एबनॉर्मलिटी हो तो उसको प्रोजेस्टिडोन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं ताकि जो डिवेलपिंग यंग वन है वो यूट्रस के अंदर ही अपने आप को मेनटेन रखे कोई अब ना आए कोई उसके वास्ते फाल करने का खदशा ना हो थर्ड इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ प्रेगनेंट मदर इज द प्रोलेक्टेन प्रोलेक्टेन इज एक्चुअली सेक्रेटेड बाय द पिचुटरी ग्लैंड पिचुटरी आपको था हमारे वो हाइपोथेलमस के पास ब्रेन के पास एक छोटा सा ग्लैंड है दैट इज एक्चुअल द मास्टर ग्लैंड पिचुटरी ग्लैंड से प्रोलेक्टेन रिलीज होगा एंड इट विल रीच टू द ब्रेस्ट ये ब्रेस्ट सेल्स में आएगा और यहाँ आकर लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा यानी कि मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा आम तौर पर जो प्रोलेक्टन हार्मोन है ये बर्थ से पहले रिलीज होता है ताकि जो, जो मदर के मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कराया जा सके मिल्क प्रोडक्शन उसको हो सके और जब यंग वन की बर्थ हो जाती है तो उसके बाद मिल्क को जो है वो मेमोरी ग्लैंड से रिलीज करवाने में भी प्रोलेक्टिन का इंपॉर्टेंट रोल है तो प्रोलेक्टिन इज इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स फोर्थ इंपॉर्टेंट हार्मोन इज़ ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन को अगर हम देखें इट इसल् प्रोड्यूस बाय द पिचुटरी ग्लैंड ये भी पिच्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा ये पिच्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर एंड से प्रोड्यूस होता है जबकि जो प्रोलेक्टन है वो एंटीरियर एंड से प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन भी ब्लड के साथ ट्रेवल करेगा टू डाउनवर्ड ऑक्सीटोसिन का इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस कि जब बर्थ होने वाली है यानी कि जब 40 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं गेस्टेशन के तो फोर्टी वीक्स यानी नाइन मंथ के बाद यंग वन की जब बर्थ होनी होती है तो फिर पिचुटी ग्लैंड ऑक्सीटोसन करता है ऑक्सीटोसन का इफेक्ट ये होता है कि ये जो मसल्स के अंदर पावरफुल कंट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल्स में जिसकी वजह से क्या होगा कि यंग वन जो है वो इट इज़ एक्सपेल्ड आउट तो ऑक्सीटोसन के ज़्यादा होने की वजह से मसल कंट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगी स्मूथ मसल कंट्रैक्शन जिसकी वजह से लेबर पेन स्टार्ट हो यानी कि जिसको कहते हैं कि बर्थ की पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी मदर को और शी फील्स की अब जो है वो बर्थ होने जा रही है दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ऑक्सीटोसन का वो है मिल्क की इजेक्शन की कि जब यंग वन प्रोड्यू पैदा हो जाता है तो अब उसने जब मदर से मिल्क फीड करना है तो उस मिल्क को फीड करवाने के लिए प्रोलेक्ट्रेड हार्मोन के साथ ऑक्सीटोसन हार्मोन भी क्या करेगा मिल्क को रिलीज करवाता है लास्ट हार्मोन इज द प्रोस्टॉग्लैंड प्रोस्टाग्लैंडन जो आमतौर तो पर जो होता है इनको अगर हम देखें तो ये जहाँ प्रोड्यूस होते हैं उसके करीब तरीन ही अफेक्ट करते हैं प्रोस्टोगलैंड का इफेक्ट भी डेफिनेटली ये कहाँ प्रोड्यूस होंगे ये यूट्रस के अंदर ही जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो से प्रोड्यूस होंगे उसमें और प्रोस्टोगलैंड का जो इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज़ द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल तो प्रोस्टोकलैंड ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर मसल की कंट्रैक्शन करते हैं जिसके वजह से यंग वन कम्स आउट